बाजू के अतराफ में दुकानें मार्केट ये आज के जालिमीन के तर्ज है। ये चाहते थे कि करबला में सारे आसार खत्म कर दिया जाए, किसी को न पता चले कहाँ कौन सा मकाम है। इंशाल्लाह खुदा से दुआ करिए कि जो जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम आप महसूस करिए, कल नहर फरात से आप लौट कर आए हैं और एक बात कलम वहाँ पर ज्यारत के लिए आए हैं। सलाम हो आपका पर जिसने वली खुदा के लिए अपने दोनों बाजू कलम करा दिए। लेकिन महसूस करने की बात है, करबला पे करबला में आने के बाद आप महसूस करिए कि अब तो बहरहाल आप आए हैं, देखें अगर मलमून की हुकूमत के वक्त आप आए होते तो पता ही नहीं लगता कि कहाँ बात कलम हुआ था, कहाँ मकाम अली अकबर है, कहाँ मकाम अली अकबर। ये बार बार इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उन शहदाए मुदाफ़ेन हरम को अपनी ज़ियारत में ज़रूर याद करिए कि जिन लोगों ने अपनी जानें कुर्बान करके इन जगहों को मुशख़्स करने में, इन जगहों को बनाने में अपनी जानें कुर्बान कर दी। उन शहदाए मुदाफ़ेन हैं शहीद हुजजी, शहीद कासिम सुलेमानी, शहीद अबू महदी अल मुहंदिस। उनका एक प्लान था कि करबला को हम वैसे ही बना देंगे कि जब इंसान आए एक जगह खड़ा हो के एक तरफ रोज़े हज़रत अब्बास को वहीं से खड़ा हो के देखे ये मकाम अली अकबर है, ये मकाम अली अकबर है, यहाँ बाजू कलम हुए थे, यहाँ एक बाजू कलम हुआ था, यहाँ क़याम हुसैनी लगे थे। लेकिन खुदा रहमत करे उन लोगों पे कबल इसके कि वो अपने उस प्लान में कामयाब हों, अल्लाह ने उनको शहादत नसीब कर दी। खुदा इंशाल्लाह उसको जो उनके जहन में थी प्लानिंग, खुदा उसको कामयाबी अनायत फरमाए। लेकिन आप तसव्वुर करें जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम मशक सकीना को भर के फरात से निकले। फरात से निकलने के बाद फरात पे 4,000 का लश्कर जो है बिठाला गया। जनाब अब्बास गए, सारी पूरी फौज चली गई, उसके बाद पानी भरा, पानी भर कर निकले। अब आप महसूस करिए कि दुश्मन हो उसको घेर करके आया हो कोई, अब वो कितने हरबे इस्तेमाल करेगा कि ये पानी खैमे हुसैनी तक न पहुँचे। सिर्फ एहसास करने वाला बस 4,000 लोग खाली वहाँ लगे हुए थे, उसके बाद कहाँ कहाँ कितनी फौजें थी, लेकिन किसी के अंदर जुरात नहीं थी कि आका के सामने आकर हमला कर सके। एक ने छुप के एक बाजू पे, दूसरे ने छुप के यहाँ पे, जनाब अब्बास पे जब दोनों बाजू कलम हो गया तो एक सिर्फ आस थी कि मश्क सकीना बच जाए। मश्क सकीना को दांतों से संभाला और चाहते थे कि तेजी से अपने को ख्याम हुसैनी तक पहुंचा दे। अभी आप ख्याम हुसैनी की तरफ जा रहे हैं, महसूस करिए कितनी दूर है, लेकिन जहां पर आका का रोजा है, आका चाहते थे कि हम अपने दांतों में अपने दांतों से संभाला मश्क सकीना को। अब आप महसूस करिए दोनों हाथ नहीं है, काजी को तसव्वुर करिए कि क्या वलवला था, क्या जज्बा था कि दीदी से वादा करके आए हैं, अरे बेटा अब तुम प्यासी नहीं रहोगी, तुम्हारा चचा पानी लेने के लिए जा रहा है, इसी
आस में मश्क सकीना को संभाल के चाहते हैं कि मश्क सकीना पहुंच जाए, लेकिन एक मलाऊन ने देखा कि अगर ये मश्क पहुंच गई तब तो अपने मकसद में कामयाब होंगे। तीन तीर हुरमुला के थे, उसने कहा कि तीन जगहों पे इस्तेमाल किया है, एक इस जगह इस्तेमाल किया है दो बच्चों की आस को तोड़ने, यानी एक अली अकबर के गले पे लगाया था हुरमुला ने, दूसरा मश्क सकीना पे आके तीर लगा, पानी जमीन पर बहने लगा। अब जब बास को महसूस हुआ कि पानी ही नहीं रहा, पहले में जाके अब्बास क्या करेंगे, अरे घोड़े के रुख को मोड़ना था कि जहां पर आकर महसूस किया अपनी तकलीफ कि अब पानी नहीं रहा, अब देखते हैं बाजू नहीं है, दूसरा बाजू नहीं है, चाहते हैं कि आंख में एक तीर छुपा हुआ था, अरे उस तीर को निकाले, दोनों रानों के बीच में तीर को रखना था कि दुश्मन ने देखा मौका है, एक ऐसा गुर्ज लगाया, अरे आका लड़खड़ा गई थी, बसाया है तुझे करबला जैसे शहीद, बसाया है तुझे करबला जैसे शहीद, बसाया है तुझे ओ मासूम बेहल पर उसे रखाए, अभी घुटनियों भी जो चलने न पाए, ओ मासूम बेहल पर तेर खाए, जमाना कहाँ से मिसाल उसके लाए, तीरों की बारिश में भी मुस्कुराए, ओ मासूम भी हल पर तीर खाए, ज़ईफ़ी से क्या क्या कदम लड़खड़ाए, ज़ईफ़ी से क्या क्या कदम लड़खड़ाए, मगर शैन लाशों पर लाश उठाए, ओ मासूम पर तीर खाए, माहोश मादर में पहले ना सुबह, जो आगोश मादर में पहले मैयत से लिपटता है, जब आगोश मादर में पहले ना सुबह, अंदर बुला ली थी, अजल फिर रही है गले से लगाए, इधर आ जाइए, आप लोग अंदर आ जाइए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाह वा इन्ना इलैहि राजिऊन, गम कज़ाइही व तस्लीमन लिल्लाह, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है आपको कि किस मकाम पे आप आए, तमाम दारी ने तरफ अंदर आ जाए, हुसैन कशीर खान, तीन भाल का तीर खा के अपने बाप के हाथों पर जिफ्त कर दिया गया, ये झूले अली असगर अलैहि सलाम है, इसकी आप ज़ियारत करिए, मुसाफ होती है, क्योंकि यही वो जगह थी
जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बत का इजहार किया था। क्योंकि देखिए जब सफर में कोई परेशान होता है तो किसको याद करता है, उसको याद करता है जिससे बहुत बड़ा अजीब अजीज रखता है जिसको। यही वो जगह है जहाँ पर सरकार सही को सौदा में कहा था लैलतुन फी यौमा आशूरा होते तो देखते कि किस तरीके से तुम्हारा मामला दुश्मनों से सवाल आप कर रहा था। अभी आप यहाँ से मक्का में एक बार भी जाएंगे, मक्का में एक बार के बाद खैम हुसैनी पे जाएंगे जहाँ पर खैमे लगे थे, जहाँ महसूस करें यहाँ पे महसूस वहाँ सब करेंगे कितनी दूर तक है। एक तो इतने शहादा के काम उसके ऊपर अजीज से दिल 6 महीने के बच्चे एक साथ दिलाना चाहता हूँ। जनाब अली हजरत जब लेकर आए थे बीबी ने कहा था बीबी सकीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया को आप पानी पिलाने ले जा रहे हैं, बस आप एहसास कर लीजिए जब जनाब अली हजरत के गले पर 3 माह का तीर लगा है। अफसोस के राजाई न तुझ को ये जवानी कैसा था मुकद्दर है, है अली अकबर कहती। अली के मोहतरम हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ कयामत खेज यानी वाकई जहाँ पर जनाब अली जनाब इमाम हुसैन साहब को भी बहुत ज्यादा सख्ती उठानी पड़ी थी। अब जिसका नवा आप सुन रहे हैं जनाब अली अकबर मकाम अली अकबर पे जा रहे हैं वहाँ का एहसास करते हुए आप आगे बढ़े। तो जरा चलिए गली 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 चलते रही सीधे जहाँ मुड़े वहीं गली में मुड़ा दूल्हा बना बस झलक शहर की सुख दिखा बेचैन की पाए है अली अकबर कहती जब कोई जवाल आश नजर आती है महशर एक याद सुए के तो अस्सलाम वालेकुम السلام عليك يا ابن الله.
अंदर से भी अंदर, अंदर से भी रास्ता है। हर तमाजे बर सकीना मुँह पर कर ननिहार, दिल उखसारों के गाजी को दिखा दी। ये जगह है, ये जिले का नदिया है, ऊपर रात की पहले लेकिन तामीरात चल रही है, इसलिए नीचे एक नदी बना दिया है कि आप लोग यहाँ ज़ियारत करें। ये वो मकाम है जो आप तारीख में बहरहाल पढ़ा होगा या मजालिस में सुना होगा कि जब कल ये जगह